सर और हमारे प्रमुख प्रमुख जी और हमारे सीओ साहब हैं और नागरिक न हो जिस जो मतदान करने के काबिल और उनका मतदान छूट जाए, एक ही वोट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हैं तो कल मीडियागण एवं विद्यार्थीगण का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, आज 25 जनवरी ये नौवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हम सभी लोग आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं आप किस लिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ये जानना होगा आपका एक वोट आपके देश को बड़ी मतदाता है। जो भी व्यक्ति जिनको एडल्ट फ्रेंचाइज प्राप्त है, वयस्क मताधिकार प्राप्त है, उन्हें जागरूक करेंगे और एक भारत को विकसित देश बनाने में मुकाम हासिल करना चाहेंगे। धन्यवाद। वोटर डे के अवसर पर इस सभा में सभी का स्वागत है और ये हर एक साल होता है, आप लोग जानते होंगे, हर एक साल मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस 25 दिसंबर में मनाए जाने का उद्देश्य ये है कि हम वोटर को जागरूक करें कि हम अपने मत का प्रयोग 100% मतदान के लिए करें, यही उद्देश्य है इस दिन को मनाए जाने का। तो आप लोग जनप्रतिनिधि है हमारे सामने, सेविकाएं भी हैं, सहायिका भी हैं, जो विभिन्न पंचायतों में गांव में प्रमाण पत्र के सभी हकदार हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा 5 बीएलओ को सेलेक्ट किया गया है जो इस पुनरीक्षण काल में बहुत अच्छा काम किए हैं। हम उनको चाह रहे हैं कि सम्मानित करें और हमारा ये भी है कि इसी तरह का उनको भी प्रमाण पत्र दिया जाए, जो एक्चुअली हो नहीं पाया, लेकिन हम चाहेंगे कि उनको मनोज जी हमारे सेंचुरी बनवाइए और जो अच्छे बीएलओ जो काम किए हैं, जो बेस्ट उनका परफॉर्मेंस रहा, पावर सेवन जो भी है, बढ़ चढ़ कर के काम में उनको हम भी सम्मानित कर सकते। तो अभी हम लोगों ने रेंडमली 5 जो किए हैं सेलेक्ट, उसमें से हम नाम बता रहे हैं, वो आ जाए हमारे पास। नवोदय कुमार विद्यार्थी कौन है? किरण कुमारी, कृष्णदेव प्रसाद, चेहरा भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बार ले लेते हैं। देखिए ये भाई भाई, ये ICDS से है, सेविका है और इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेविका जो है बीएलओ के काम में पीछे रहती है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुतों से सेविका है जिनका नाम बीएलओ के रूप में है, लेकिन वो परेशान रहती हैं कि कैसे मेरा नाम कटे, तो ऐसा नहीं सोचना है उनको। और जो भी जिम्मेवारी आपको दी जाती है उसको अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग सजा ही देते हैं, हम लोग उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। चलिए, अमरेंद्र कुमार, हम लोग ये जो है शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो करें। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से